जय हिंद साथियों, इस आवाज से इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। चुनाव जीतना है या नहीं? जय हिंद साथियों। अभी भी आवाज कमजोर है। दिल्ली के शासन में यहाँ जो बैठे और चंडीगढ़ तक आवाज जानी चाहिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। गांव साजरपुर में आपने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माउंट आबू अकादमी के हमारे साथी धर्मवीर जी ने, धर्मवीर धनखड़ जी ने हमें यहाँ पे बुलाया, आप लोगों के बीच में रूबरू होने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बावल की इस बावल चौरासी की वीर भूमि में पहुंचने पर मैं आप लोगों का नतमस्तक होकर नमन करना चाहता हूं कि इस वीर भूमि में आपने हमें आने का मौका दिया। आज हमारे बीच हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथी और हमारे पूर्व सैनिक साथी और बावल चौरासी के अलग अलग गांव से आए हुए और सागरपुर के हमारे सभी लोग, उन सबको एक बार फिर से नमन। आज हमारे बीच उनके सगे मामा जी की बेटी ज्योति, उनके दामाद, हमारे दामाद विजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में, वो इसी गांव से, मैं आपका बहुत बहुत नमन करता हूं, आदर करता हूं समाज। साथियों, जब इस साजनपुर गांव में मैं आ रहा था तो गाड़ी में बैठे बैठे या खड़े खड़े जब हम ऊपर आ रहे थे तो कच्ची गलियां जब दिखाई दी तो मुझे बड़ी शर्म आई कि आज इस आज के जमाने में 2024 में अगर किसी गांव की जमीन और किसी गांव की गली पक्की है नहीं है तो ये मेरे ख्याल से यहाँ के नुमाइंदों को शर्म से डूबना पड़ेगा। जो 10 साल का कार्यकाल यहाँ पर रहा बनवारी जी का और साथ साथ मंत्री भी रहे और उसके बाद अगर ये सड़कों का ये हाल है तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश का क्या हाल होगा जहां पर बीजेपी की सरकार है, हमारे देश का क्या हाल होगा जहां पर बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में सरकार साथियों बड़े शर्म की बात, आपके यहां से हमारे डॉक्टर अहमद रंगा साहब भी यहां रहे, पहले रहे। मैं थोड़ा सा और इतिहास में आपको ले जाना चाहूंगा, हमारे जो संबंध है कि अगर एम एल रंगा साहब अध्यापक से अपनी जिंदगी शुरू करने के बाद वाइस चांसलर बनते हैं और एक नहीं, ये मेरे ख्याल से हरियाणा में किसी भी आदमी को आज तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो तीन तीन विश्वविद्यालयों का वाइस चांसलर कुलपति रहा। मैं अपने गुरु जी को याद करता हूं, अगर यहां पे होते तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लेता और उसके साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर बने। हमारा परिवार के साथ बहुत पुराना संबंध है और हम एक ही लाइन में रहते थे, भी अठत्ते हमारा घर था। उनको जिताकर फिर दोबारा से ऐसे शिक्षाविद को आपको वापस चंडीगढ़ में भेजना है, विधानसभा में भेजना है। अगर विधानसभा में भेजोगे तो आपका भी आपका विकास होगा, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चे जो है बड़े रोजगार उनको मिलेंगे और बड़े बड़े लोग जैसे वो रंगा साहब इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो ये आपके बच्चे भी कल भविष्य में इसी मुकाम के ऊपर पहुंचेंगे। तो इसलिए आपकी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको आपने आगे विधानसभा में पहुंचा। साथियों सभी ने बात करी अग्नि भी, ये वो धरती है वीर भूमि जहां से फौज में पिछले 100 साल से ज्यादा ऐसा है कि अहीरवाल का इलाका हमारे से बराबर में लगता हुआ झुंझुनू रेवा झुंझुनू
सीकर शेखावटी का इलाका, अलवर का इलाका, और यहाँ से हम अगर रोहतक सोनीपत झज्जर की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर हरियाणा में और इस एरिया के अंदर जो भी विकास हुआ है हमारे परिवारों का, हमारे फैमिलीज का, ये सिर्फ और सिर्फ फौज की बदौलत हुआ है। क्योंकि किसी जमाने में यहाँ पर पानी की कमी थी, खेती इतनी अच्छी नहीं होती थी, सिर्फ बरसात के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन पहली विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में और उसके बाद भारतीय सेनाओं के अंदर काम करके यहाँ के वीर जवानों ने काम किया, सुख समृद्धि हमारे घरों में आई, और उस सुख समृद्धि से जो हमारा आर्थिक विकास हुआ वो आज का हरियाणा, आज का हरियाणा। अगर ये सफर हमारा जो भारतीय सेनाओं में शुरू हुआ था, एक रोजगार आता था, हमारा एक जवान भर्ती होता था तो उसका पूरा का पूरा परिवार जो है फलता था, फूलता था, बहनों की भाइयों की शादियां होनी शुरू हो जाती, परिवार में पैसा आता था, समृद्धि आती थी, और उसके बाद उसके आने वाले जो बच्चे होते थे, पीढ़ियां होती थी, वो फौज में अफसर बनती थी और तमाम तरह की उनके भविष्य में उनको सुख सुविधाएं मिलती थी, काम मिलता था, रोजगार मिलता था। भारतीय जनता पार्टी ने देश के युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है, अग्निवीर जैसी घातक योजना को लाकर देश की सुरक्षा को खत्म किया, देश की सेनाओं को खत्म किया, देश के सैनिकों को कमजोर किया और युवाओं के सपने को तो बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ कर रखा। जहां 1 करोड़ के करीब युवा पूरे देश में सेना में भर्ती होने का सपना लेकर दावेदारी करते थे, भागते थे, दौड़ते थे, तैयारी करते थे, स्टेडियम में तैयारी करते थे, आपको आपसे ज्यादा कौन जानता है, आपके यहाँ तो धर्मवीर जी की एकेडमी थी जहां पर हजारों की तादाद में बच्चे आते थे, तैयारी करते थे और सेना में भर्ती होते। और 1 करोड़ बच्चे जो पूरे देश में तैयारी करते थे और उनमें से तकरीबन 1 लाख के आसपास फौज में भर्ती हो गए, आज वो 1 लाख भर्ती नहीं हो पा रहे, वो 1 करोड़ की बजाय सिर्फ 10 लाख मात्र रह गए हैं। क्यों? क्योंकि अग्निवीर जैसी योजना, मात्र 4 साल, राहुल गांधी जी जिस तरह से बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि सैनिकों में भेदभाव कर दिया और सैनिकों के साथ साथ हमारे शहीदों में भेदभाव कर दिया। क्या हमने ऐसे देश की परिकल्पना की थी कि हमारे सैनिकों में भी भेदभाव होगा और हमारे सेना में जो भर्ती होकर लड़ाई लड़ते हैं, एक ही यूनिट में 2 जवान जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए और दोनों शहीद हो जाते हैं, एक को कुछ और मिलता है, दूसरे को कुछ और मिलता है, एक को शहीद का दर्जा मिलता है, एक को एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलता है, दूसरे को शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता, ये भेदभाव कर दिया है। तमाम तरह के भेदभाव बीजेपी ने पूरे देश भर में कहीं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किया, लेकिन उन्होंने मेरी प्यारी सेना, मेरी भारतीय सेना के अंदर भी भेदभाव करने का काम किया, अग्निवीर जैसी योजना लाकर। इसके लिए हमने पूरे देश भर के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने हमारा साथ देने का वायदा किया, उन्होंने कहा कि हम सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, आगे चलो, जहां बुलाओगे वहां पर आऊंगा, और उसी कड़ी के अंदर यहाँ पर अग्निवीरों की ट्रेनिंग देने के लिए जो हमारी एकेडमी है माउंट आबू एकेडमी, उसके लिए 27 दिसंबर पिछले 27 दिसंबर को राहुल गांधी जी ने आना था, टीम आ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, अगले दिन सुबह आना था, अचानक सोनिया जी की तबीयत बिगड़ी तो जिसकी वजह से वो प्रोग्राम को कैंसिल कर, लेकिन उम्मीद है जल्द आपके गांव में जरूर आए। साथियों, हमारा संकल्प बड़ा क्लियर, कांग्रेस पार्टी अगर सेंटर में आती है, आज ये लचर पचर की सरकार है जिसको कोई भी मैंडेट नहीं है, जिसको बीजेपी की सरकार जो बैसाखियों में चल रही है,
उसका यूं नहीं पता कि वो छह दिन है, छह महीने है या एक साल है, लेकिन एक साल से ज्यादा उसका कार्यकाल नहीं है। और जिस दिन बीजेपी की सरकार गिरेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, राहुल गांधी जी के वायदे के मुताबिक अग्निपथ योजना को पूरी तरह से खत्म करेंगे और अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे, और जो 1.5 लाख बच्चे अग्निवीर लाने की आड़ में जो 15 जून 2022 को 1.5 लाख बच्चे तैयार थे फौज में ज्वाइन करने के लिए, उनकी ज्वाइनिंग देने का काम तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस की सरकार करेगी। स्वागत करना चाह रहे हैं और धन्यवाद करते हैं कि पूरे अंजपुर गांव की तरफ से कर्नल चौधरी का भी। इस कैप्टन सुधीर सागवान भी पहुंच चुके हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। रेखा दहिया हमारे बीच पहुंच चुके, उनका भी स्वागत करते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा। खिलाफ देश व्यापी मुहिम जय जवान चलाई थी राहुल गांधी जी के साथ। संदीप ओड़ा, राहुल गांधी जी ने और इन्होंने लोकसभा इलेक्शन से पहले भी और लगभग जो अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है उसके खिलाफ चलाया हुआ है। अग्निवीर योजना के खिलाफ जो ना युवाओं के हित में, ना देश के हित में, ना वो मांगे, साथ में युवाओं बेरोजगारों की बहुत सारी मांगे जिनके लिए जंतर मंतर पर भी काफी लंबा प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं। तो मैं इस कड़ी में स्वागत के लिए यहां से धर्मवीर को रंगा जी के बेटे भी यहां पर पधारे, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। प्रणव रंगा जी, बुजुर्ग कर्नल रोहित जी और सभी मंचासी अतिथियों के द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है। राम राम जी, राम राम। एक फोटो करो संबंधित रखते हो यहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू जो यहाँ कर्नल रोहित जी पूरे हरियाणा के स्टार प्रचारक भी हैं, साथ में राष्ट्रीय से एमएलए प्रत्याशी कांग्रेस के एमएल रंगा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए, और इसी कड़ी में जहाँ यहाँ मंचासीन अतिथि जो भी है, मैं इन सब की गांव सांजरपुर में आया हूँ, यहाँ पर मैं सबको नमन करता हूँ। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लहर है, हम सारे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं और परिवर्तन की लहर है, और बीजेपी जा रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल और हमारे कांग्रेस पार्टी के 14 के 10 साल का कार्यकाल, अगर आप उसको खोलोगे तो बीजेपी का कार्यकाल जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो। जहाँ तक बात है अग्निवीर के मुद्दे की, अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर हमने राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके लोगों से संपर्क साधकर, उनकी बात सुनकर मानकर, हर वर्ग से बात सुनकर मानकर, उन्होंने ये फैसला किया कि अग्निपथ योजना पूरे देश के लिए, सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए और हमारी युवा पीढ़ी के लिए, सबके लिए घातक है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना जो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो था सेंटर का, उसके अंदर लाया लोकसभा के अंदर और कहा कि हम अग्निपथ योजना को ख़त्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे,
और जो 1.5 लाख बच्चे अग्निवीर योजना लाने के समय तैयार थे ज्वाइनिंग के लिए, उन सब लोगों को ज्वाइनिंग देंगे। ये हमारा वायदा है सेंटर में भी, और स्टेट में जाएंगे, स्टेट सरकार जो है इसका रेजोल्यूशन पास करके सेंटर में जाएगी, और जिस दिन चाहे वो 6 महीने में चाहे 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सेंटर के अंदर सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को ख़त्म करने का काम करेगी। और लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे के पूरे देश में आप देख सकते हैं 2014 में 19 में जिस तरह 2019 में बीजेपी 4-5 लाख वोटों से जीती थी लोकसभा चुनाव, वो सारे के सारे 4-5 लाख वोट जो है वो ख़त्म हो गए अग्निवीर योजना। दूसरा, संविधान बचाने का काम जो बीजेपी ने कहा था कि संविधान हम बदलेंगे, रिजर्वेशन हम ख़त्म करेंगे, उसके खिलाफ जो हमारा अभियान पूरे देश में चला राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, तो उसका फायदा हमें लोकसभा के अंदर देखने को मिला, और लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली। और आपने इस पूरे इलाके के अंदर देखा होगा कि जिस तरह से युवा वर्ग बीजेपी से नाराज है बेरोजगारी की वजह से, महिलाएं नाराज हैं महंगाई की वजह से, और किसान नाराज़ हैं उनको MSP ना मिलने से, और जो सैनिक हैं और युवा और सैनिक दोनों नाराज़ हैं अग्निवीर योजना लाने की वजह से, और हमारे खिलाड़ी नाराज़ हैं कि जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न किया इन्होंने जंतर मंतर पर बीजेपी की पूरी सरकार ने, तो इसके लिए एक पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर दौड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की लहर है, राहुल गांधी जी की लहर है, और 5 अक्टूबर को बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। भारी तादाद में लोग घर से निकलकर अपने आप को कांग्रेस पार्टी का सिपाही बब्बर शेर और बब्बर शेरनी मानकर बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे, वोट करवाएंगे, और 8 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनना जा रही है। जय हिंद। अपने बेटे को कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी देना पसंद करोगे या अपने बेटे को रेगुलर नौकरी देना पसंद करोगे? सवाल सिर्फ एक, इनका बीजेपी का एक गुजरात मॉडल है कि रिजर्वेशन को कैसे ख़त्म करना है, कैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रेगुलर भर्तियों को कैसे ख़त्म करना, चाहे वो गुजरात में हो, और वो रेगुलर भर्तियां ख़त्म की, कॉन्ट्रैक्ट पे लागू किया। इसी तरह हरियाणा सरकार में किया, रेगुलर भर्तियां ख़त्म की, 2 लाख भर्तियाँ, 2 लाख वैकेंसीज पेंडिंग, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरह से इन्होंने अग्निवीर योजना कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आए हैं। देश की सुरक्षा चाहिए, देश की सरहदें महफूज होंगी तो देश होगा, तभी हम जिंदा रहेंगे। अगर देश ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? देश की सेना बचेगी तभी हम होंगे, देश की सेना नहीं बचेगी तो हम कहाँ जाएंगे? आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि हमारा 3200 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर, और 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर, और 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सेनाओं की रक्षा सिर्फ रेगुलर सैनिक कर सकते हैं, भाड़े के सैनिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन सैनिकों को 4 साल तक मात्र रखा जाएगा। इस 4 साल के अंदर ना वो कोर्स कर सकते, ना कैडर कर सकते, ना कुछ और कर सकते। एक टैंक चलाने के लिए भी उनको वो नहीं, टैंक भी नहीं चला पाएंगे, मिसाइल नहीं चला पाएंगे, रेडार नहीं चला पाएंगे, जहाज नहीं चला पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी सेना की कल्पना आप कर सकते हो या नहीं? अगर कर सकते हो, अगर आप अग्निवीरों के फिर भी अपने साथ हो तो आपको मुबारक। लेकिन इस देश ने फैसला कर लिया है कि अग्निपथ योजना और अग्निवीर योजना को जाना होगा, अग्निवीरों को रेगुलर होना होगा, और देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करना होगा, रेगुलर सैनिक भर्ती करने होंगे, और जो 1.5 लाख बच्चे पेंडिंग भर्तियों की ज्वाइन करने की इंतजार कर रहे थे उन लोगों को ज्वाइन करना होगा। आपको आखिर में एक और बात बताना चाहूँगा कि देश की सेना 15 लाख थी और हर साल 75 से 80 हज़ार सैनिक भर्ती हुआ करते थे, लेकिन 2019, 20, 21 और 22 के दौरान 3 लाख से ज़्यादा जो हमारी वैकेंसी है वो खाली रह गई, 12 लाख की सेना है। और आज हमारी सेनाओं की कमी की वजह से हमें J&K के अंदर हमारी यूनिटों की जो स्ट्रेंथ, जहाँ पे 1200 आदमी हुआ करते थे, वहाँ पे 800 आदमियों को रखने का काम कर रहे हैं। 400 सैनिक कम हो गया क्योंकि अग्निवीर योजना के आड़ में इन्होंने सैनिकों की भर्ती कम कर दी, सैनिकों की स्ट्रेंथ कम कर दी, और हमारी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ सर। लेकिन मोदी की सरकार 400 पार थी,
400 पार से लाकर उनको 240 पे टेक दिया। इस देश ने संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और देश की सेना को बचाने के लिए अग्निवीर योजना सबसे बड़ा इनका जो है मील का पत्थर साबित हुई थी, इस 400 के सवर को 240 तक रोकने का। और इनकी लचर पचर की जो सरकार है, जिसकी बैसाखियों पे खड़ी सरकार है, 6 महीने रहेगी, साल रहेगी, लेकिन साल से ज़्यादा नहीं रहेगी। और जिस दिन जाएगी उस दिन हम इस योजना को भी ख़त्म करेंगे, देश की सुरक्षा को भी मजबूत करेंगे, सैनिकों को भी मजबूत करेंगे, शहीदों की जो शहादतों में भी जो भेदभाव कम कर दिया है उसको भी कम करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है कि सड़क से संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी और इसको हम तुरंत प्रभाव से ख़त्म करने का काम करेंगे। और आपकी जो बात थी कि ये बीजेपी को इसका फायदा मिला है, आप बीजेपी आरएसएस के लोगों के बीच में जाइए, वो कहते हैं भाई ऐसा है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ इन्होंने बीजेपी ने सही नहीं की, ये बीजेपी के लोग खुद कहते हैं, आरएसएस के लोग।